बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बशर्सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, नया मेहमान जो है वो आ चुका है। आपको नए मेहमान से मिलाते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे है जी मोर और बहुत ही प्यारा है। हाँ जी भाई जान, प्यारा है, जबरदस्त। अबू जी सोना, आ जाती है माती दी। ये रहा जी अपना प्यारा सा मोर जी। टेल वाला जो होता है वो नर होता है, जो मादा होती है उसकी दुम नहीं होती है। माशाल्लाह। थोड़ी देर बाद इसे बाहर निकालते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं ना वो बड़ा जुल्म करते हैं। जो तितरी के बच्चे थे ना, इन पे पानी फेंक दिया हुआ था, तो एक मर चुका है। और ये वाला भी देखें, एक उसी वक्त मार दिया हुआ था बच्चों ने। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं परिंदों के साथ। अब थोड़ा बच्चों का यहाँ पे कंट्रोल करेंगे कि वो ना आएँ, अगर आएँ तो हमारे होते हुए आएँ यहाँ पे। ये टर्की यहाँ पे घूम रहे हैं, ये आज़ाद ही हैं, और ये भी यहाँ पे खुश बाश हैं। ये बादाम, बादाम बहुत खुश है जी जी। ये जो परिंदा है ना, इसकी भी आज बारी है, इसको भी छोड़ाएंगे, आज़ाद कर देंगे। इस परिंदे को नाले में छोड़ना है, और डकी गैंग को भी नाले में ले जाएंगे। यहाँ पर आके ये स्पीड तेज़ कर देती हैं। इतनी देर हो गई है इनको नाले पे आते हुए, इनको चाहिए कि ये खुद आ जाया करें यहाँ पे। बस यहाँ पे आके थोड़ी सी स्पीड इनकी तेज़ होती है, और इनको समझ आ जाती है कि हमने कहाँ जाना है। यहाँ से वापस ये खुद ब खुद चली जाती हैं अपने घर, वहाँ से यहाँ नहीं आती हैं। अब बारी है जी इस परिंदे की, तो इसको भी यहीं पे नाले पे ही छोड़ेंगे। ये भी पानी का परिंदा है, पानी में ही ज़्यादातर वक्त गुजारता है। बतखें उधर मज़े कर रही हैं, और ये इस तरफ जाएगा जी परिंदा, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये पानी वाला ही परिंदा है। ये किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे आ गई। जल कुकड़ी हमारे यहाँ इसे बोलते हैं, यानी कि पानी वाली मुर्गी, जल पानी और कुकड़ी मुर्गी। बिल्कुल मौज में और मज़े में है यहाँ पे आके। इनको नाले में ही छोड़ जाऊँगा, ये यहाँ पे खेलें कूदें, जब इनकी मौज मस्ती पूरी हो जाए तो वापस आ जाएंगे ये खुद ब खुद। यहाँ पे है जी सूरजमुखी, ये भी देखें, बहुत ही खूबसूरत भाई लग रहे हैं। इस तरफ सूरजमुखी और इस तरफ सूरज, सब ने चेहरा अपना जो है वो सूरज की तरफ किया हुआ है। कितना बड़ा फूल है। बतखें अभी तक जो है वो नहीं आई हैं, और मैं इधर पहुंचने वाला हूं, जाके मोर को खोलते हैं, वो थोड़ा आज़ाद घूमे फिरेगा, उसको खेलते हुए देखेंगे। और यहाँ पे मार्शल भी आ गया जी, मार्शल आ जाओ। मार्शल मेरे साथ ही निकला था लेकिन आगे नहीं गया। अब ये देखें, बतखें जो हैं वो शोर कर रही हैं, पता नहीं क्या हुआ, किसी ने छेड़ा होगा उन्हें। आ जाती हैं, मोर को खोलेंगे। आ जाओ बाहर, आप रास्ता नहीं मिल रहा उसे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है भाई। मोर बाहर सैर कर रहा है, ये टर्की बर्ड जो हैं उसके साथ झगड़ेंगे, इनको अंदर कर देते हैं। चलें भैया आप लोग, चलें 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 चलें। चलो यार उधर, ये फौज अंदर कर दी है। अब मोर आजादी से घूम सकता है। यहाँ पे है जी मोर, जगह की अच्छी तरह सफाई जो है कर लेंगे,
मोर कबूतरों की तरफ गया हुआ था हाल अहवाल पूछने। शहजादा शहजादा बतखें अभी तक नहीं आई हैं और नजर भी नहीं आ रही हैं, उनका भी पता करते हैं। काफी टाइम हो गया उनको भी छोड़े हुए उधर। वो देखें आ रही हैं खुद ब खुद ही। मुझे ये था बतखों की आवाज आ रही थी कि कोई मसला ना बन गया हो, लेकिन वो आ रही हैं भाई अपने रास्ते पे। जिस तरह ये खुद ब खुद आ जाती हैं, उसी तरह खुद ब खुद जाना भी शुरू कर देना तो जबरदस्त हो जाए। इनको खुला पूल जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पे स्पेशल पूल बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा तालाब है इनके लिए, नाला है, वहाँ पे ज्यादा खुश रहेंगी। आहिस्ता 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 आ रही है। मार्शल दूध में रोटी भिगो के खा रहा है और मार्शल जो है दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा है। परिंदों को पड़ जाता है, अब ये परिंदे इससे बचाना पड़ते हैं, खासकर जो छोटे परिंदे हैं वो। कल तो इसने एक मुर्गी, बड़ी मुर्गी जो असील मुर्गी है ना, वो अपने बच्चों को इससे बचा रही थी। इसकी और उसकी अच्छी खासी फाइट हुई है और इसने उसकी गर्दन पकड़ ली हुई, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया इसे। मार्शल का घर जो है वो यहाँ बाहर जो है बना देते हैं। डकी गैंग आहिस्ता आहिस्ता पहुँच चुकी है जी, नहा आई है। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे घूमते हुए ये कबूतर, मौज मस्ती में है। रिंग नेक भी बाहर निकल के बैठा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। आड़ू और खरबूजे लेके आया हूँ तोते जो हैं उनके लिए, बीज भी साथ ही रखेंगे। तोते जो हैं बीज भी बड़े शौक से खाते हैं। वो रिक्शे वाले भाई जो हैं वहाँ पे मिट्टी रिक्शे में भर रहे थे तो उन्हें मिला है सिक्का एक। ये देखें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, इनको साफ करते हैं फिर देखते हैं। थोड़ा सा तेजाब डालेंगे इसे साफ करने के लिए। ये 1962 का है और 50 पैसे का सिक्का है और हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इस तरफ ये कोई लोगो है। असील मुर्गी जो है वो अकेली है, उसके लिए असील मुर्गा जो है वो लेके आते हैं, वो भी जोड़ी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे है जी असील मुर्गा, जोड़ी मुकम्मल हो जाएगी। आ गया जी मुर्गा। और यहाँ पे ये मुर्गी जो है ये चाह रही है कि इसके बच्चे बाहर आए तो दरवाजा खोल देंगे, खुद अंदर जाना चाह रही है। यहाँ पे ये मिट्टी के साथ खेल रही थी, उधर देखें पिंजरे में से ही लड़ना शुरू कर देते हैं ये लोग। वो अपने बच्चों की तरफ नहीं आने देती और ये भी सबको मार रहा है भाई। अभी यहाँ पे पानी की मोटर लगाते हैं ताकि आसानी से सब जगह पे पानी लगाया जा सके। ग्रास लगवाते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुख्तलिफ परिंदों के और जानवरों के घर भी बनाएंगे और वो वाले परिंदे और जानवर भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको तमाम दुखों, बीमारियों, परेशानियों और आफात से महफूज रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशरती को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।